आइए अब आम आदमी पार्टी के प्रमुख सदस्यों की भूमिका की समीक्षा करते हैं। प्रायः उनमें से सभी विवादास्पद हैं और उनकी भूमिका प्रश्न करने योग्य है। बहुत से लोगों के लिए अन्ना हजारे केजरीवाल के गुरु हैं, मगर वास्तविक गुरु अरुणा रॉय हैं, जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की अध्यक्षा रही हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निर्णय को प्रायः सरकार की तरह प्रभावित करने का काम किया और जो कांग्रेसी सरकार तथा सोनिया गांधी से जुड़ी रही हैं। शुरुआत में अरविंद केजरीवाल ने सूचना के अधिकार के लिए अरुणा रॉय के साथ कार्य किया, जिसके लिए उन्हें 2006 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ये आरटीआई कानून का काम अन्ना हजारे द्वारा पहली बार सन 2000 में महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। अरविंद केजरीवाल की तरह उन्हें भी वर्ष 2000 में रमन मैकप्रणव मुखर्जी के पास भेजी थी। प्रशांत भूषण ये कार्यकर्ता, वकील और राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन कई विवादों में शामिल रहे हैं, विशेषकर कश्मीर, नक्सलवाद और आतंकी आक्रमण के संदर्भ में। भूषण अजमल कसाब की फांसी के विरुद्ध मुखर वक्ता थे। उन्होंने अफसल गुरु के लिए राष्ट्रपति से क्षमा याचिका के प्रार्थना पत्र पर भी हस्ताक्षर किया था, जिसे 2001 के भारतीय संसद पर हमले के लिए दोषी पाया गया था। वे इस हमले के आरोपी चार लोगों के वकील थे। प्रशांत ने कश्मीर घाटी में आंतरिक खतरों से निपटने के लिए सेना लगाए जाने के वास्ते जनमत संग्रह कराने की मांग की थी। सुजाना अरुंधति रॉय, हम पहले ही जान चुके हैं कि कैसे वे एआईडी, अंगना और दूसरे छत्री समूह से जुड़ी हैं और अफसल गुरु के मृत्युदंड को रुकवाना चाहती थीं। उन्होंने 2008 के मुंबई हमले को भी कश्मीर मामले से जोड़ा था। उन्होंने हमेशा नक्सलवाद के विरुद्ध सरकारी कार्रवाई की आलोचना की है, जबकि वास्तविकता ये है कि आतंकवाद के बाद भारत में नक्सलवाद एक बड़ा खतरा है। मनीष सिसोदिया आपके अधिकारी बनने के पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार थे। फोर्ड फाउंडेशन के अनुदान से चलने वाले कबीर फाउंडेशन के वो भी एक हिस्सा थे। उन्हें और उनकी पत्नी को उनकी एक एनजीओ को प्राप्त विदेशी अनुदान के गलत उपयोग का दोषी पाया गया। योगेंद्र यादव 2004 से सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज दिल्ली CSDS के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं। वे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA सरकार द्वारा स्थापित नेशनल एडवाइजरी काउंसिल NCA के शिक्षा के अधिकार के मुद्दे से जुड़े हुए थे। योगेंद्र यादव को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ICSSR द्वारा अनुदान दिया जाता था, जिसे बाद में फोर्ड फाउंडेशन द्वारा अनुदान मिलने लगा। यादव कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं। शाजिया इल्मी एक राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। शाजिया इल्मी कानपुर के मुस्लिम परिवार की हैं, जिनका संबंध भारतीय कांग्रेस पार्टी से है। शाजिया इल्मी को कुमार विश्वास जैसे आप नेताओं के साथ किसी को समर्थन देने के बदले उससे पार्टी के लिए पैसा लेते हुए स्टिंग ऑपरेशन में देखा गया था। उनके पास लगभग 37 करोड़ की संपत्ति है। हर्ष मंदर, अरुणा रॉय की तरह वे भी सोनिया गांधी द्वारा स्थापित नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य थे। प्रशांत भूषण व अन्य दूसरे लोगों की तरह वे भी उन लोगों में से एक हैं, जिन्होंने सिफारिश की थी कि अफजल गुरु को फांसी पर न लटकाया जाए। मेधा पाटकर, हम पहले ही उनके दोहरे चरित्र और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को देख चुके हैं। मीरा सान्याल, आप लोकसभा उम्मीदवार मीरा सान्याल राजनीति में आने के लिए रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड को छोड़ चुकी हैं। वो प्रदान के बोर्ड की सदस्य हैं, जो कि एक एनजीओ है
और भारत के ग्रामीण इलाके के नक्सली क्षेत्रों में काम करता है। गोपाल राय सोनिया गांधी की एनएसी के पूर्व सदस्य, जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन सीपीआई एमएल से संबद्ध के अध्यक्ष थे और जो अपनी माओवादी सोच के लिए जाने जाते हैं। क्यों कांग्रेस सरकार के नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के इतने सारे सदस्य अब आपके साथ हैं? क्या आप गुलाम नबी फाय, एआईडी, फॉयल, कायर, आईएएमसी, अंगना, अरुंधति, मेधा पाटकर, हर्ष मंदर, तीस्ता शीतलवाड, प्रशांत भूषण, गोपाल राय के बीच के गठजोड़ को देख सकते हैं? आप और कांग्रेस के बीच के गठजोड़ को देख सकते हैं? लोगों ने पूछा कि क्यों अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया? क्या इसका कोई तार्किक मतलब हो सकता है कि पार्टी और उसके नेतृत्व ने उसी आप सरकार को बनाने के लिए समर्थन दिया जिसने उसके विरुद्ध इलेक्शन लड़ा था? कोई मूर्ख भी कांग्रेस पार्टी के साथ इसके आंतरिक गठबंधन को समझ लेगा। इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। अंततः हम प्रमुख भारतीय मीडिया पर भी एक नजर डाल लें, जिसने अरविंद केजरीवाल और आपको गैर आनुपातिक कवरेज दिया है। प्रमुख खिलाड़ी भारत सरकार, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों और उनके नेताओं से गुप्त रूप से जुड़े हुए हैं। आज आपके सबसे बड़े समर्थक हैं कुछ बड़े मीडिया घराने। उनमें से अधिकांश का स्वामित्व विदेशी कंपनियों के पास है और कुछ कांग्रेस पार्टी में है। नई दिल्ली टेलीविजन या एनडीटीवी, प्रणव रॉय, उनकी पत्नी राधिका रॉय, प्रकाश करात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव के को ब्रदर हैं, उनकी पत्नी और वृंदा करात बहनी हैं, और प्रणव रॉय की चचेरी बहन प्रसिद्ध अति वामपंथी माओवादी नक्सलवादी कश्मीरी समर्थक राष्ट्र विरोधी अंगना चटर्जी की दोस्त हैं अरुंधति सुजाना रॉय। सीपीआईएम के पोलित ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य और संसदीय ग्रुप लीडर हैं सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी की शादी सीमा चिश्ती से हुई है। सीमा चिश्ती इंडियन एक्सप्रेस की रेसिडेंट एडिटर हैं। नरसिम्हन राम द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ हैं। वे कम्युनिस्ट स्टूडेंट ग्रुप स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व नेता हैं। एनडीटीवी की बरखा दत्त और हिंदुस्तान टाइम्स के वीर संघवी यूपीए संगठन के बिचौलिए हैं, जो राडिया गेट स्कैंडल में उजागर हुए, जो बाद में 2G के घपले से जुड़ गया। और ये दोनों अपनी क्षमताओं का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कांग्रेस और आपके वास्तविक प्रवक्ता बने हुए हैं। इसके बदले में नेहरू खानदान या कांग्रेस पार्टी द्वारा बरखा और संघवी को पद्मश्री से नवाजा गया और दूसरे आर्थिक लाभ दिए गए। बरखा दत्त का व्यक्तिगत जीवन भी रहस्यों से भरा है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने 2 शादियां की हैं। उनके दोनों पति कश्मीरी मुस्लिम हैं। एनडीटीवी हमेशा कश्मीरी अलगाववादियों को ज्यादा स्थान देता रहा है, जो भारत से आजाद होना चाहते हैं। ये तीस्ता शीतलवाड़ और अरुंधति रॉय जैसे लोगों को भी अच्छा कवरेज देता रहा है। एनडीटीवी की सोनिया सिंह उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी सांसद, केंद्रीय मंत्री, पूर्व महाराजा और कांग्रेस पार्टी के श्री आरपीएन सिंह की पत्नी हैं। एनडीटीवी की निधि राजदान, निधि राजदान भी कांग्रेस के समर्थन और भाजपा के विरुद्ध के पूर्वाग्रह से संबंधित अपने लेखों के लिए प्रसिद्ध हैं। इंडिया टुडे पत्रिका एनडीटीवी के द्वारा खरीदी जा चुकी है। इस समूह का दूसरी मीडिया के अलावा आज तक और बिजनेस टुडे पर स्वामित्व है। इसके इंडियन हेड राजदीप सरदेसाई और उनकी पत्नी सागरिका घोष हैं। सागरिका के पिता भास्कर घोष को इंदिरा गांधी
और राजीव गांधी के समय में प्रसार भारती दूरदर्शन का प्रमुख बनाया गया था। नेहरू गांधी खानदान के प्रति अपनी व्यक्तिगत निष्ठा के लिए भास्कर घोष अत्यंत प्रसिद्ध थे। शोभना भारतीय हिंदुस्तान टाइम्स की मालिक और मुख्य संपादक, राज्यसभा में कांग्रेस की सांसद हैं। विनोद शर्मा हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक मामलों के संपादक, सभी टीवी चर्चा के पैनल में कांग्रेस प्रवक्ता की तरह पेश आते हैं। द हिंदू के पी साईनाथ कांग्रेसी नेता वी शंकर गिरी के भतीजे हैं और भारत के पूर्व राष्ट्रपति तथा नामी कांग्रेसी नेता वीवी गिरी के पोते हैं। गिरी खास तौर पर इंदिरा गांधी के कुछ कट्टर वफादारों में से एक जाने जाते हैं। न्यूज 24 हिंदी मीडिया चैनल पर पूर्व पत्रकार और संपादक राजीव शुक्ला का स्वामित्व है, जो राज्यसभा में नामी कांग्रेसी सांसद, केंद्रीय मंत्री, उद्योगपति, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और आईपीएल के अध्यक्ष हैं। अनेक कम्युनिस्ट विचारधाराओं ने भारत की पत्रकारिता, मीडिया और बौद्धिकता वाली जगहों पर अपना दबदबा कायम कर लिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी भारत में, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, सीएनएन, आईबीएन, द हिंदू, तहलका, आउटलुक आदि सहित हर प्रमुख मीडिया घरानों पर अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं, और अंततः आपके प्रमुख नेतागण इस मीडिया नेटवर्क का हिस्सा हैं। मनीष सिसोदिया जी न्यूज के पूर्व पत्रकार थे। योगेंद्र यादव 1996 से वे भारत में कई टेलीविजन चैनलों पर चुनाव विश्लेषक और राजनीतिक टिप्पणीकार रहे हैं, जिसमें दूरदर्शन, एनडीटीवी और सीएनएन आईपीएन 7 शामिल हैं। शाजिया इल्मी पहले एक टीवी पत्रकार और स्टार न्यूज पर एंकर थीं, और आशुतोष आईबीएन 7 के पूर्व प्रबंधक संपादक थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इन मीडिया घरानों द्वारा कांग्रेस और आपके समर्थन में किया जाने वाला प्रचार बिल्कुल स्वाभाविक है। तो भारत के बाहर अंगना, बिजू, विजय, विनय, कलीम ख्वाजा आदि जैसे ये भूतपूर्व भारतीय लोग भारत की छवि को खराब करने के लिए पाकिस्तान, इस्लामी संगठनों और चर्च आदि के साथ काम करते हैं। भारत में कम्युनिस्ट, मिशनरी और इस्लामी समूह भारत की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और स्थिरता को खराब करने के लिए उन लोगों के साथ काम करता है। ये न केवल भारतीयता के दुश्मन हैं, बल्कि मानवता के भी दुश्मन हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी आप से जुड़े लोग इन विध्वंसक समूहों के साथ जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल अपने आप में भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। ये दूसरे सभी सरकारी घोटालों से ज्यादा प्रभावकारी और खतरनाक हैं।